नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर है, जिसके लिए जून में काम आवंटन कर दिया जाएगा। इसे 2 साल के अंदर तैयार किए जाने का लक्ष्य है, जिसके बनने के बाद दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जिसके लिए अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना से अगर पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचने का दिल करे तो आप लगभग 15 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। यानी सुबह अगर 5 बजे पटना से निकले तो रात 8 से 9 बजे के बीच आप मसूरी की ठंडी हवाओं का आनंद उठा रहे होंगे। ये ऐसे मुमकिन होगा कि पटना बक्सर फोरलेन के जरिए आप 2 घंटे में बक्सर पहुंच जाएंगे और फिर 17 किलोमीटर के लिंक रोड से होते हुए 1/2 घंटे के अंदर गाजीपुर के हदरिया में होंगे। ये दोनों सड़कें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से पहले तैयार हो जाएंगी। हैदरिया से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते लगभग 340 किलोमीटर की दूरी करीब 4 घंटे में तय करते हुए आप लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपको करीब 3.5 घंटे में आगरा पहुंचा देगा और फिर आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 2 से 2.5 घंटे में आप दिल्ली में होंगे। यानी शाम होते होते लगभग 12 घंटे में आप खुद को दिल्ली में पाएंगे और फिर दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे और मसूरी करीब 3.5 घंटे में पहुंचकर आप इत्मीनान से डिनर ले रहे होंगे। तो चलिए आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी भी करीब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसमें 118 किलोमीटर का हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकेगी, जिस पर 6 लेन के कैरेजवे के साथ 6 लेन का सर्विस रोड भी होगा। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर वाइल्ड लाइफ को बचाने और बिना बाधा के विचरण के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर टनल भी प्रस्तावित है, जिससे मुश्किल पहाड़ी इलाके को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 इंटरचेंजेस और 60 अंडरपास वाले इस ग्रीन एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड टोल सिस्टम होगा। यानी जितनी देर आप एक्सप्रेसवे पर चलेंगे उतनी ही देर का पैसा देना होगा, ना कि बिना चले हुए पूरे रास्ते का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हर 25-30 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट सेंटर होंगे, जिससे सफर करने वालों को काफी सहूलियत होगी। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से देहरादून मसूरी क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।